तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बंदूकबाज यूट्यूबर है जो उनका कवर फोटो बनाएंगे, बैनर बनाएंगे उनके यूट्यूब चैनल का। सो हमारा एक व्यूअर था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था उसके ऊपर ट्यूटोरियल लाने के लिए। सो मैंने ट्यूटोरियल लाया, तो चलिए ओपन करते हैं पिक्सआर्ट को। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे एडिटर फोटो में। सो हम हमारा ये इमेज इनपुट कर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये ले लेना। और क्या करेंगे अभी, हम सबसे पहले अगेन जाएंगे ऐड फोटोज़ में। ऐड फोटोज़ में जाके याली इमेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसे हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, अभी हम ब्लेंडिंग में जाके इसे स्क्रीन पे कर देंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक ऐप चाहिए, वो ओपन करेंगे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो इस ऐप का नाम है टून ऐप है, आपको ये प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो इसे ओपन कर लेते हैं, अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और फ़ोटो को हम ट्राई करेंगे स्लोली, जितना ये फ्रेम में अवेलेबल कर सकता है उतना हम फ्रेम में कर लेंगे इसे। तो देखो अभी ये नहीं ले रहा है उतना, तो हम थोड़ा छोटा करते इसे। ओके आ गया, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, वैसे मैं डन कर लूँगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट है मोबाइल के लिए। ये आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने फ़ोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल डाला हुआ है, तो आप देख लेना, जिसे मैं सेव कर लेता हूँ। चलते हैं अभी पिक्सआर्ट में। सो क्या करेंगे हम लोग, यही फ़ोटो ऐड कर लेंगे। अभी इसको एडजस्ट कर लेते हैं हमारे फ्रेम के हिसाब से, इसके साइज़ को। ओके, अभी इसे हम इरेजर में जाके और पर्सन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे हमारा बैकग्राउंड निकल जाएगा। इसे डन कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम क्या आएंगे, एफएक्स में जाएंगे। एफएक्स में आके स्ट्रोक में जाना है, आपको ये स्ट्रोक वन ले लेना है और इसे हॉरिजॉन्टल को 0-0 कर देना है और लाइन को 50 तक कर देना है। ये हॉरिजॉन्टल को हम 0 कर देंगे, जिसे सेंटर में आ जाएगा पूरा। तो अभी हम क्या करेंगे, अंदर का पार्ट जो भी है स्ट्रोक आयल है सबको इरेज कर देंगे हम। इसके अंदर आपको दिख रहा नहीं, लेकिन बाहर के साइड भी स्ट्रोक आयल है, वही हम रखेंगे। ओके, देख सकते हो बाहर की तरफ स्ट्रोक आया है। सो अगेन हम एफएक्स में जाएंगे अभी, और एक इफेक्ट है जो आपकी इमेज को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सो ये है VIN4 आपको ले लेना है, ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसे डंक कर देते हैं, जैसे हमारा बंदूक पास का है वैसे ही। सो अभी हम टेक्स्ट में जाएंगे, बंदूकबाज लिख लेते हैं। ओके, इसे डंक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा के। तो अभी हम इसे मूव बैक करेंगे, हमारे कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा, मूव डाउन। ओके, अभी हम फॉन्ट्स में जाते हैं, फॉन्ट्स में आपको प्रीमियम में जाके और ये वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना है, आपको मिल जाएगा। मैंने पिक्सआर्ट का भी लिंक दे दिया ये वाले, कि ये ऐसा हमारा फॉन्ट मिल जाएगा हमें। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है बंदूकबाज जैसा, लेकिन वैसे ही है कुछ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्टिकर में जाएंगे, स्टिकर में जाके ब्रश लिख देंगे। तो आपको बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे, देख सकते हो जैसे इसमें अलग अलग टाइप के। तो मैंने यह वाला लिया है, आप डालोगे ब्रश तो यह आ जाएगा आप में भी। तो इसे मैं थोड़ा रोटेट करके एडजस्ट कर लेता हूँ, और एडजस्टमेंट में जाऊंगा, उसकी ब्राइटनेस को मैं 100+ कर दूंगा। ओके, इसे मैं डन कर लेता हूँ, और इसे मूव डाउन कर दूंगा मैं कैरेक्टर और फॉन्ट के पीछे, और इसकी ओपेसिटी में कम कर दूंगा, अराउंड 80 काफ़ी है। अभी डन कर लेते, और अभी हम क्या करेंगे, फिट में जाएंगे, फिट में जाके इसका रेशियो हम यूट्यूब साइज़ कर देंगे, और इमेज में जाएंगे और इसका ही बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अराउंड 12 तक कर देंगे, और ये हमारी एडिटिंग हो गई। होप यू गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप बता सकते हैं आपको कौन से टाइप की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।